कम्युनिटी सेहत केंद्र मानावाला विखे हैल्थ इंपलाइज एसोसीएशन पंजाब दे सद्दे ते कम्युनिटी सेहत केंद्र मानावाला विखे समूह मैडिकल ते पैरामैडिकल स्टाफ वालों पंजाब सरकार दीआं मुलाजम मारू नीतियां खिलाफ धरना दिता गया। यह धरना अज 11वें दिन दे विच शामिल हो गया। इस दौरान मुलाजमान ने पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। उधर दूजे पासे सेहत मुलाजमान की हड़ताल कारण 100 दे करीब पिंडां दे लोकां नूं सेवावां दे रहे कम्युनिटी सेहत केंद्र बंद पए ने, जिस कारण लोकां नूं खज्जल खुआरी का सामना करना पै रहा है। मुलाजम आगुआं दा कहना है कि जदों तक सरकार उन्हां दीआं मंगां नहीं मन लैंदी उदों तक संघर्ष जारी रहेगा। सत श्री अकाल जी, तुसीं जुड़े हो जीत दे नाल। मैं हां गुरदीप सिंह नागी। अज असीं पहुंचे हां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मानावाला विखे, जिथे पिछले कई दिनों तो सेहत मुलाजम जिहड़े आ हड़ताल से बैठे ने, सेहत सेवावां ठप्प ने। यह मुलाजम साथी जिहड़े आ अपने अपनियां मंगां दे लई पिछले कई दिनों तो संघर्ष कर रहे हैं, धरने से बैठे ने। इहदे बारे असीं गलबात करते हैं इन्हां दे मुलाजम आगू प्रितपाल सिंह नाल। इन्हां दा की कहना इस धरने बारे? प्रितपाल जी, स्वागत है तुहाडा। जी आयां नूं जी। सब तो पहला मैं समूह अजीत दी टीम साढ़े कोल मानावाले सिविल होस्पिटल च पहुंची है, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी आयां नूं। असी ये जिहड़ी रोस रैली आ, रोस धरना, पिछले घट्टो घट्ट भी अज 15 दिन तो असी सरकार दे विरुद्ध ये असीं रोस धरने कीते ने, क्योंकि सरकार ने पिछले समय दौरान मुलाजमान ते एक बहुत तगड़ा कुहाड़ा जिहड़ा चलाया वो ये सीगा कि सरकार ने मुलाजमान नूं पहला ग्रेड पे दे के साढ़े भत्ते दे के उस तो बाद एक साही प्रमाण जिहड़ा वो बहुत जल्दी मगरों इशू कर दिता, जिहदे विच मुलाजमान दे वक् वक् 13-14 भत्ते जिहड़े ने वो सरकार ने साढ़े जिहड़े कट ले ने, जिहड़े कि बहुत जरूरी सी, क्योंकि जदों भी साडा कोई फील्ड वर्कर फील्ड विच जांदा वो वर्दी पा के ही जांदा, अपने टूर मुताबक टूर करदा, तो उहदा जिहड़ा भत्ता वो मिलना बहुत जरूरी सी, वो भी सरकार ने कट लिया। कई तरह के जिहड़े भत्ते जिहड़े बहुत जरूरी सी, मस्ट सी, वो सरकार ने साढ़े कट ले, जिस करके असी सरकार दे विरुद्ध पिछली 20 तरीक तो असी यह धरना ला के बैठे हाँ। सरकार नूं यह चेतावनी देने वास्ते कि जिहड़े साडे सरकारी मुलाजमान दे भत्ते कटे ने ये दोबारा जिहड़े आ वो सानूं लाए जाण, तां जो इह दे संघर्ष जिहड़ा वा बड़े जोरां ते सारे पंजाब दे विच साडियां वख वख जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो सारे पंजाब दे विच इस तरह ही PSC CSC सिविल होस्पिटल सब सेंटरां तक आप अपने सेंटरां दे विच जिहड़े ओ इस तरह रोस धरने जिहड़े ला के वो बैठे आ। इस करके असी इह सरकार नूं चेतावनी दिंदे हाँ कि साडे जिहड़े बांदे हक ने वो सरकार दोबारा जिहड़ी आ वो चालू करे, नहीं तो इलैक्शन जिहड़ी आ आउण वाली है, इह सरकार नूं इहदा नतीजा जिहड़ा भुगतना पएगा। असी सारे मुलाजम एकजुट हो के इहनां दीआं रैलियां दा, इहनां दे जोश धरनिआं दा, इहनां दे जलसिआं दा असी पूरे जोर शोर नाल इहनां दा विरोध करांगे, और सरकार नूं इह वी चेतावनी दिंदे आ कि जे सानूं इह साडे भत्ते नहीं मिले तां इह संघर्ष जिहड़ा वा होर तेजी नाल अगे होर वधाया जाएगा। रितपाल जी, इन्हां दिनां च फिर सेहत सेवावां ठप्प रहीआं बिल्कुल? इन्हां दिनां दे विच पिछले दिनां दे विच 20 तरीक तो असीं बिल्कुल कलम छोड़ साडी हड़ताल आ, सारे होस्पिटल दे विच साडे विच सारियां ही सेहत सेवावां जिहड़ियां ने आए वाले ठप्प पईआं ने, कोई भी सरकारी मुलाजम जिहड़ा वो अपना काम सरकारी नहीं कर रहा। इस अरसे दौरान जिहड़े मरीज ने उहनां नूं खज्जल खुआरी दा सामना करना पिआ, उहदे बारे तुहानूं तुसीं की कहना चाहुंगे? हांजी, खज्जल खराब वेखो जी, जदों सरकार अपने मुलाजमां ते गलत तरीके नाल इस तरह के जिहड़े फरमान जारी करेगी तो मुलाजम कभी भी अपना काम जिहड़ा नहीं करनगे, जदों मुलाजम अपना सरकारी काम नहीं करनगे तो जिहड़े मरीज ने उहनां नूं इह खमियाजा भुगतना ही पवेगा, क्योंकि जे इस तरह नहीं हुंदा तो सरकार दे जिहड़ी उह कन्नां ते जून नहीं छिड़कदी। इस करके सानूं इह सारी कलम छोड़ हड़ताल करके तो मरीजां नूं जिहड़ा उह बहुत तगड़ा जिहड़ा उह सफ़र करना पै रिहा, असीं भी देखदे हाँ तो सरकारां भी देखदियां ने, पर सरकारां जिहड़ियां ने उहते असर क्यों नहीं करदियां जां गौर क्यों नहीं करदियां इस बारे सानूं कुछ नहीं पता, लेकिन जे सरकार इस चीज़ नूं नहीं मानदी तो संघर्ष जिहड़ा होर तेजी नाल वधांगे। किन्ने समय तक धरना जारी रहेगा तुहाडा? जदों तक सरकार साडियां मंगां पूरियां मंगां साडियां नहीं मानदियां, सानूं सरकार अपने विश्वास नहीं लैंदी, साडियां की मंगां नहीं मानदियां, उदों तक असी इस राहीं कलम शोर स्ट्राइक दरियां विछा के सारियां PSC CSC दे विच बैठे रहांगे जदों तक सरकार साडा फैसला नहीं मानदी। हुण असीं गल करदे हां मुलाजम आगू मनदीप कौर ANM नाल।
इस धरने से असी खुशी ना कोई धरना नहीं लाया, असं मजबूर हो गए हाँ। असी सानू जदों दी करोना लहर चल रही है असी अपने परिवार दियां सेवा जाने के जेडे बंदे उन्होंने परिवार की साड़ियाँ ड्यूटियां बनदियां उन्होंने इग्नोर करके असी अपने पब्लिक दियां सेवावां नू मुख रखदे हां घरों बाहर निकले। जिस टाइम सारे ही महकमे बंद किए गए, एक पंजाब पुलिस ते एक हैल्थ महकमे नू बाहर कढ़िया गया सी। असी अपने जान नू अपने परिवार नू रिस्क च पा के ड्यूटियां कीतियां ते साडे जिहड़े पहलों तो साडे हक चलदे पए सी सानू सेवावां दे नाल नाल साडे जे सेवावां दित्तियां सी सानू उन्हां दे जिद्दां एफटीए साडे अलाउंसेस मिलदे सी ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਪੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਚਿੰਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ।